भारत की राजनीति में नीतीश कुमार जी पूरे तौर पे अप्रासंगिक हो चुके हैं और इसीलिए उनका कोई पूछने वाला नहीं। अलमारी में परमानेंट दो कपड़े पड़े रहते हैं, एक हरे रंग का एक केसरिया रंग का। जब जो जिस दिन जो सहूलियत हो पहन लेते हैं और पहन करके उस तरह की भाषा बोलने लगते हैं, चाचा भतीजा जिस प्रकार के घोटाले कर रहे हैं, जिस प्रकार का बिहार की जनता के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, दोनों की प्रासंगिकता हिंदुस्तान की राजनीति में समाप्त हो चुकी है और इसीलिए विरोधी दल वाली बैठक में इन दोनों को किसी ने नहीं कहा। जब भी कोई मिलता है उसको पहला लाइन जरूर सुना देते हैं कि हमारे बात तो आप ही हैं, और इस झांसे में जो जो आते हैं वह सड़क पे रहते हैं। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग सिर्फ एक कारण से हुए कि उनको प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा थी और प्रधानमंत्री पद की भाजपा के सहयोगी दल हों चाहे भाजपा में कोई वैकेंसी नहीं है। पूरा देश के का हर नागरिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में ही अपना प्रतिनिधि देखता है और इसी आकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के कारण वह जा करके महागठबंधन में समझौता किए और समझौता करके प्रधानमंत्री बनने का अपना एक उम्मीद पाले हुए थे। दो महीने में उनको समझ में आ गया कि उनका कोई विरोधी दल में पूछने वाला नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने तेजस्वी जी को अब 2025 का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जो कि अपने आप में बताता है कि वह पूरी तौर पर निराश हो चुके हैं कि उनको कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। नीतीश जी की खासियत जरूर है, उनके अलमारी में परमानेंट दो कपड़े पड़े रहते हैं, एक हरे रंग का एक केसरिया रंग का। जब जो जिस दिन जो सहूलियत हो पहन लेते हैं और पहन करके उस तरह की भाषा बोलने लगते हैं, आज के डेट में भारत की राजनीति में नीतीश कुमार जी पूरे तौर पे अप्रासंगिक हो चुके हैं और इसीलिए उनका कोई पूछने वाला नहीं। ये सरिया कपड़ा पहनेंगे तो आप लोग उनको नहीं, नहीं कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल तिरंगा कपड़े वाले पार्टी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अपना समय के साथ बदलते रहने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग का एक ही कपड़ा है और वह है तिरंगा, भारतीय जनता पार्टी का। अप्रासंगिक जो देश की राजनीति में हो गया हो उसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। 2025 तक वो आराम से अपने भतीजे को पीठ ठोकते हुए रहें, और चाचा भतीजा जिस प्रकार के घोटाले कर रहे हैं, जिस प्रकार का बिहार की जनता के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, दोनों की प्रासंगिकता हिंदुस्तान की राजनीति में समाप्त हो चुकी है और इसीलिए विरोधी दल वाली बैठक में इन दोनों को किसी ने नहीं पूछा। ये विशेष दर्जा की मांग पर नीतीश कुमार जी करने लगे लगता है। नीतीश कुमार जी सीजनल बात करते हैं, वह उनके एनके सिंह वाइस चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के, एनके सिंह जदयू के माननीय सांसद रहे हैं, एनके सिंह ने स्वयं क्यों नहीं किया उस समय, नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्या किया कि एनके सिंह ने नहीं किया, वह फिर 42-32% कर देते और कहते कि हम विशेष राज्य का दर्जा का करेंगे। लेकिन फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से ये सारी चीज़ें तय होती है। 14th फाइनेंस कमीशन में जब हो गया कि हिंदुस्तान में अब किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, और यही 15th फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन स्वयं जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद थे और उन्होंने ही रिकमेंडेशन नहीं किया, यह सब शिगुफा छोड़ते हैं, क्योंकि वह पूरे बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मेरा साफ मानना, बगल का उत्तर प्रदेश है, वह $1 trillion इकॉनमी की बात कर रहा है, हम न रोजगार की बात करते हैं न हम नौकरियों की। जो 2,34,000 नौकरियां तय हो चुकी थी जिसको देना था, आज 6 महीने बीतने के बाद वो नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं जो इन्होंने कृषि का माफ़ करने को बोला था। माननीय माले के नेताओं ने यह वादा किया था कि हम रसोईया को पेंशन देंगे, आज रसोईया लोग पेंशन खोज रहा है, आज आंगनबाड़ी की सेविकाएँ पेंशन खोज रही हैं। वो लोग को इन्होंने खुद कहा था कि सारा संविदा आधारित बंद करके सबको परमानेंट जॉब देंगे। चूंकि यह सब चीज़ें वह नहीं कर सकते हैं और इसलिए वह जानबूझ के कभी सुरेंद्र यादव से देश की सेना पर प्रश्न उठवाते हैं, कभी चंद्रशेखर जी से हिंदुओं का मजाक उड़वाते हैं। यह इनका एजेंडा है कि जनता उनसे नहीं पूछे कि बिहार में 6 महीने में कानून व्यवस्था इतनी चौपट क्यों हो गई है, बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है, बिहार के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। इन सब से बचने के लिए चाचा भतीजा की जोड़ी यह नाटक कर रही है। कोई हम लोगों के टच में नहीं है,
जनता दल यूनाइटेड के जो भी नेता हैं वह आपस के नूरा कुश्ती में है। नीतीश कुमार जी ने किससे क्या वादा किया था, नीतीश कुमार जी की खासियत है कि जब भी कोई मिलता है उसको पहला लाइन जरूर सुना देते हैं कि हमारे बात तो आप ही हैं, और इस झांसे में जो जो आते हैं वह सड़क पर रहते हैं।